कि जो बाइक है वो ये है। बाइक का पूरा धसड़ा उड़ चुका है, ये देखो। हे गाइस, कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। बाकी बहुत दिनों बाद आ रहा है व्लॉग। चकना चश्मा निकाल दे पहले। तो जो पता कितने करोड़ों रुपए का चश्मा है वो, बेशक खरीद के मैं 7,000 रुपए का लाया था, लेकिन मेरे पहनने के बाद करोड़ों का हो गया वो। ये भी कुछ ज्यादा ना बता दिए। हाँ, ज्यादा हो गया गाइस। फिलहाल अभी हमें मौसी के घर और मैं आया हूँ हर्ष के पास। अच्छा। क्योंकि आज हम कराने वाले हैं अपनी स्प्लेंडर। गाइस 500 किलोमीटर चल गई, लेकिन अभी तक उसको सर्विस नहीं मिली, क्योंकि 300 किलोमीटर पर सर्विस मिलनी चाहिए थी उसको। लेकिन मैंने थोड़ा सा और टाइम लगा दिया है, बट चलो कोई बात नहीं। थोड़ी ज्यादा यूज हो रही है स्प्लेंडर, क्योंकि हमारे यहाँ का रास्ता खराब है, KTM हम चलाते नहीं है। चलो फिर चलते हैं, हर्ष तैयार हो रहा है अंदर। सर्विस सेंटर पर तो हम बाद में भी चले जाएंगे, पर पहले पेट पूजा। मौसी ने हमें एक रोटी दे दिया, एक नहीं मतलब मैंने खुद ही एक ली है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो खा लेते हैं। बहुत मेहनती वाला। तो भाई सब्जी तो बड़ी खतरनाक बनी थी, फिलहाल रोटी भी खा ली है, निकल रहे हैं अभी। ओए चला भाई, मैंने चला रहा, चल मैं चला लेता हूँ, तेरे पैर में लगी। इसकी कहानी बताएंगे। तो चलो चलते जल्दी से। पहुँच चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं। और अभी हर समको स्टंट करके दिखाएगा आपको, बहुत मजा आएगा। देखो वैसे टांग टूटी हुई है, लेकिन फिर भी आपको स्टंट करके दिखा। चल हाँ, चढ़ा सस्ता स्टंट। वाह जी वाह भाई, पूरी चैन वैन बजी हुई है बाइक की। हो चुका है गाइस प्रॉपर। मुझे इसी चीज का डर लग रहा था कि सर्विस कराने जाएंगे कोई दिक्कत ना आ जाए, घुसते दिक्कत आ गई। दिक्कत ये हुई कि हमारे पास का ऑनलाइन बिल ही नहीं है, जिस जहाँ से ली थी ना उसने स्कैम कर दिया। उसने भी ऑनलाइन बिल नहीं काटा, बस रिटर्न में काट दिया है। फिलहाल अभी वो बिल काट के भेज रहा है। बाकी हर्ष हंस रहा है, पोपट हो चुका है। बाइक बिक गई है, पर उसने अरे रिटर्न में काट दिया, लेकिन ऑनलाइन नहीं काटा। पहले आपको हर्ष का सीन बता दें, तो हर्ष का सीन कुछ ऐसा है, वो हर्ष बताएगा। यस yes. यार ऐसा हुआ, जल्दी बता, टाइम नहीं। लालपुर पुल से आ रहा था मैं, तो एकदम से पीछे से गाड़ी वाला आया और उसने टक्कर मारी पूरी पीछे से, साइलेंसर वाली साइड में। ठीक है, तो मैं गाड़ी के ऊपर, हाँ उसकी थी स्पीड थी गाड़ी वाले की, मैं गाड़ी के ऊपर और जैसी साइड में गिरा डिवाइडर की साइड, तो मेरे हाथ लग गए। हाँ। तो उसने दोनों घुटनों में बम्पर मारा गाड़ी का पूरी तेज, मेरे पैर उस टाइम डैमेज जैसे मान लो, बस बाइक खींच के ले गया बहुत दूर तक। तो अगर आप लोग बाइक देख रही है तो साथ बाइक दिखा दो पीछे से, तो बाइक भी दिखाएंगे। एक्सीडेंट तगड़ा हुआ था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इसकी चोट बाइक ने खाई। ठीक है, इसको ज्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी खरोच वगैरह आई। बाकी दिखाते हैं अब इसकी बाइक। हाँ भाई, तो इसकी जो बाइक है वो ये है। बाइक का पूरा धसड़ा उड़ चुका है, ये देखो। गाड़ी यहाँ से ठोकी थी ना, इस साइड से लगी थी भाई गाड़ी। देख साइलेंसर दिखाओ ना, ऐसे टक्कर मारी उन्होंने और मैं जैसे पीछे टक्कर मारी तो मैं गाड़ी के ऊपर ही आ गया। चाहे गाड़ी पूरी खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस भाई शायद सही रहना चाहिए, बाइक हम तो चली गई हमारी। बाकी चलो जल्दी से हो जाएगी सर्विस और फिर चलते हैं सीधा घर, और घर पे फिर आपको पापा से मिलाएंगे और आरू अनी से मिलाएंगे, भाभी से मिलाएंगे, निशा दीदी से मिलाएंगे, भैया से नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर। देखो सीन ये है कि यहाँ पे तो नहीं हो रही है, हमको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से ये बाइक ली थी, क्योंकि इसका शायद बिल वगैरह निकला नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं है ना अभी इसका। ये उनकी एक चाल थी ताकि हम उनसे ही कराएं, वरना होने को यहाँ भी हो सकती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं उधर के लिए। घर आ चुके हैं और हर्ष गया है एक बाबा का क्वार्टर लेने। बाबा है ना, तो उन्होंने बोला है तो एक क्वार्टर। और हम आए हैं अपने छोटे भाई के पास। हेलो सेस्ट, बोल। 3, 2, 1 सेस्ट। ये एल्विस यादव जो है उनका फैन है, तो बैटरी है ना पक्का, से बताओ तुम्हारे फोन बैटरी ना है ना, कैसे पता? ब्राइटनेस। तेज है भाई लौंडा, मिलना तुझे एल्विस यादव से मिलना है। तुम पैदल लेकर चलोगे, मैं पैदल ही चलूंगा। अभी अभी पब्लिक थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही है, जो थोड़ा बहुत पब्लिक का सपोर्ट जाएगा ना तो उनसे भी मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना बताओ कब चलने, जब पोर्स निकाले ना उसकी पोर्स उठा ले, चोर बाजार में कटवा देंगे। वाह भाई, ये देखो कैसी सोच है भैया। अरे कुछ तो नाम होने वाला भाई, एल्विस यादव की पोर्स उठा ली भाई निशांत ने। अच्छा नहीं, तू तो उठा लेगा, फिर लड़ाई हम करते फिर हैं।
तो मजाक में लेना गाइस, सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं पब्लिक, ठीक है, सीरियस हो जाते हैं, बट कोई नहीं गाइस, सीरियस होना भी चाहिए जिंदगी में, पर जिंदगी में काम को लेकर हमारा काम ही है। तो अभी हम निकल रहे हैं हर्ष के आते ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल और हर्षित फिटनेस। आज सर्विस तो नहीं हुई है और मैं घर आ चुका हूँ। आज थर्सडे है, बाय वन गेट वन फ्री। और हर्षित भैया भी मिल चुके हैं हमें, जस्ट मैं गली के बाहर ही मिले थे, मैं इनके पीछे से पकड़ लेता मैंने इनको। सो गाइस, हम लोग आ गए थे घर पे, लेकिन पापा ने फोन करा कि भाई आ जाओ जल्दी से, तो हम आ गए हैं थोड़ा सा पापा के पास साड़ी वाड़ी लेने। पापा अपने लिए साड़ी, ओ तुम तो ले नहीं पाओगे अपने लिए। देख ये लिए। हाँ तो लड़कियों के लिए। ये किस लिए लिया जा रहा है ये तो बताओ। लड़कियों के लिए। किस लिए लिया जा रहा है ये? लड़कियों के लिए। अरे लड़कियों के लिए, पर प्रोग्राम क्या है जो इतना मैटर ले रहा है? संक्रांति जाती है ना लड़कियों की। और गाइस ये अपना फार्म चला रही हैं, मुर्गी फार्म। कैसा चल रहा मुर्गी फार्म तुम्हारा? बढ़िया। तो हम कुली हैं और अब इस सामान को ले जाना है, इसीलिए हम आए थे। ठीक है बाबा चलें। और तुमने सही नहीं किया, अभी तो घर चलो, तुमसे बात करनी। तुमने तुम्हारी बता दो, ये दुकान बहुत अच्छा सामान बेचते हैं और सही सस्ता भी लगाते हैं। अच्छा क्या नाम है? मोनिका साड़ी। मोनिका साड़ी, चिप क्या नाम है? मोनिका साड़ी गाइस। चलेंगे अब, चलो। पर मैंने उसने देखा, तुमने सही नहीं किया। क्या तुमने आज बेइज्जती करा दी हमारी? क्या तुमने बाइक अपने दोस्त के यहाँ से निकाल ली है ना? उसने तुम्हारे ने बिल काट कर नहीं दिया ऑनलाइन, ठीक है, और हम सर्विस कराने पहुंच गए। अब वो कह रहा है, अब हम वहाँ पहुंच गए, भाई सर्विस कर दो। अब सर्विस की बात आई तो उसने बिल मांगा, अब बिल था नहीं, तो हमें वहाँ से अब बिना कुछ कराए लेके आना पड़ा। हो गई ना बेइज्जती? तो हमारी बेइज्जती हो गई है आज। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस ऊपर, इसके ऊपर? जब इसका नंबर आता है ना, नंबर गाड़ी का, तब बिल में डल के आता है। कुछ तो होता है, तो चालान था हमारे पास, चालान था लेकिन खो गया। अब हमारी गलती थोड़ी, अब गलती गलती वो ये कह रहा है तुम पे चालान खो गया, तो यहीं ले आओ, हम कर देंगे सर्विस। चलो कोई बात नहीं गाइस, कल करा लेंगे सर्विस। वैसे हम गए तो थे सर्विस कराने, बट पापा की वजह से हो नहीं पाया। कैसा हंस रहा भाई? ले तो आरू यहाँ पे खेल रही है। आरू बहुत थोड़ी जिद्दी हो गई है, लेकिन ठीक है ना आरू? जिद्दी हो गया ना आप? जिद्दी क्यों हो गए? आप जिद्दी क्यों हो गए? मेरी मर्जी, बोलो मेरी मर्जी। तुमने ही बिगाड़ रखी है ये, बाहर स्कूटी के पीछे भग रही थी ये। तुमने तो बिगाड़ दी है बाबा ने जब तुम छोटे। बोलो कुछ बोलो। हाँ समझ गए होगे गाइस आप, अगर आपको इसकी लैंग्वेज आती होगी तो, कि नए चैनल पे व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल में बहुत सारी भसड़ हो रही है, गेमिंग भी हो रही है, शॉर्ट्स भी हो रही है, व्लॉग भी हो रही है, कंटेंट भी हो रहा है, तो बहुत चीजें आ रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ नया चैनल खोलने की, आप लोग कमेंट बताना कि व्लॉग के लिए अलग चैनल खोलूं या ना खोलूं, वो बता देना आप कमेंट में। सपोर्ट तो आपका होगा ही, हमें पता है, बहुत बढ़िया सपोर्ट आएगा तुम्हारी तरफ से, बाकी बता ही देना, ठीक है। और अभी इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।